आईफोन 14 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसके प्राइस अनाउंस होने के बाद कस्टमर्स के बीच में मायूसी छा गई, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट था कि शायद इस बार एप्पल कम प्राइस रख सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के मुल्कों के मुकाबले इंडिया में बहुत प्राइस हाई है। इसके पीछे की क्या वजह है और आने वाले दिनों में अगर कौन से वो कारण होंगे कि आईफोन के प्राइस कम हो जाए, आइए इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार चार। iPhone 14 सीरीज के चारों मॉडल के प्राइस इंडिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले में काफी हाई है और प्राइसेस जानने के बाद इंडिया में फैंस की हाय ही निकल पाई है कि इतने पैसे फिर से देने होंगे। आखिर क्या वजह है कि जब इंडिया में असेंबल हो रहा है iPhone इस बार तब भी प्राइस नहीं घट पाए। चलिए मैं आपको एक एक करके वो फैक्टर समझाता हूं। सबसे पहले एप्पल से ही शुरुआत करते हैं। दुनिया का पॉपुलर और काफी हाई मार्जिन लेने वाला OEM है अपने प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आईफोन हो, आईमैक हो, कुछ भी XYZ। तो एप्पल अपने मार्जिन के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करता, उसे कम ज्यादा नहीं करता, चाहे कस्टमर की स्ट्रेंथ कितनी भी हो, कंट्री कोई भी हो, कोई भी लोकेशन हो, एप्पल अपने मार्जिन को बरकरार रखता है। तो वहां पर तो जब तक कि कोई अगला सक्सेसर नहीं आता, एप्पल कभी भी अपने प्राइस में कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं लेके आता, यह ध्यान रखिएगा। तो एक तो मार्जिन उसका फिक्स है जो कि उसे लेना ही है और वो भी ज्यादा होता है। अब आते हैं टैक्सेस पे। तो इंडिया में कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होने वाला कंपोनेंट जो इंपोर्ट होता है कहीं से, उस पर एक तो वैसे ही हाई इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, और खासतौर पर अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई कंपोनेंट चाइना से, तो फिर बस आप भूल जाइए कि वो कितना महंगा पड़ने वाला है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट जो है ना वो चाइना से ही उसके कंपोनेंट आईफोन के इंपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उस पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगती है। एक एवरेज अनुमान ये है कि आईफोन में जो भी कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं उन सबका अगर एवरेज कस्टम ड्यूटी निकाला जाए तो 20% के आसपास पड़ता है। अब 20% तो कस्टम ड्यूटी हो गया, उसके अलावा उसके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं तो उनका भी कुछ प्रॉफिट और मार्जिन है फोन की असेंबली में। उसके बाद आते हैं सर्विस टैक्स पर जो कि 18% है, तो 18% सर्विस टैक्स भी आईफोन पे चला गया। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते करते लास्ट में बचता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि एप्पल का इंडिया में अपना है ही नहीं। जब थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर एप्पल रिलायबल करता है तो जाहिर सी बात है उनका भी प्रॉफिट मार्जिन है, उनके भी चार्जेस हैं जो कि एप्पल को पे करने होते हैं। इन सारी चीजों के बाद में आपको रिटेलर के पास मिलता है, तो रिटेलर भी उस पर अच्छा खासा मार्जिन कमाना चाहता है, जिस वजह से आईफोन के प्राइस इतने हाई होते हैं। अब वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि जब एप्पल अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटाएगा, खासतौर पर आईफोन के, क्योंकि आईफोन के ही लोग ज्यादा दीवाने हैं। तो सबसे पहले तो एप्पल को पूरी तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाना होगा, जैसे कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांड है वो करते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, शाओमी भी इंडिया में कर रहा है, रियलमी भी कर रहा है, तभी तो उनके प्राइसेस घट पाते हैं। तो एप्पल को अपना खुद का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बनाना पड़ेगा। रिटेलर पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एप्पल को बड़े बड़े शहरों में अपने खुद के स्टोर खोल देने चाहिए ताकि कस्टमर को सीधा बेनिफिट मिल पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादातर कंपोनेंट इंडिया में ही उसे बनाने पड़ेंगे। उसके जो सप्लायर है उनको इनवाइट करना होगा कि इंडिया में ही अपने प्लांट सेटअप करें और ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट जो यूज होते हैं वो यहीं पर बना के उसे दिए जाए, ताकि जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो बोझ है डिवाइसेस के ऊपर से वो घट सके। उसके अलावा सरकार को अगर लगेगा कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि इंडिया में काफी पसंद किया जाता है और एक रिलायबल ब्रांड है, तो उसके ऊपर शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह गवर्नमेंट टैक्सेस में भी दे सकती है। इन सारी चीजों के इंप्लीमेंट होने के बाद एप्पल को भी अपने मार्जिन पे कुछ घटाना होगा, ताकि कस्टमर्स के बीच में जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया में उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तब जाकर आपको कुछ घटी हुई प्राइसेस इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मिल भी सकती हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो ये दिन और ये बातें जो है दूर की कौड़ी हैं, कब ऐसा हो पाएगा ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ आपको अपने पड़ोस में यानी कि मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें तो वहां पर आपको पता ही है कि ओवरऑल गुड्स या सर्विसेज पे सिर्फ 5% का वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो जो भी कंपनी की प्राइस है उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगा लीजिए, जो कि एंड कस्टमर को देना होता है, बाकी बीच में कोई भी सर्विस चार्ज वगैरह इस तरह से नहीं है। तो लास्ट में कस्टमर ने 5% वैट उसमें पे कर दिया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है घटी हुई आपको नजर आती है। बाकी दोस्तों इंफॉर्मेशन जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ अपने चैनल पर, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।